सीधा रोजगार यही है कि युवा गोठान में गोबर उठाए। कांग्रेस की पूरी सरकार डर चुकी है। घेराव अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा घेराव, गली गली में शराब को कोचिया ही करे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास घेराव का आह्वान किया गया था, जिसके तारतम्य में प्रशासन पुलिस द्वारा तीन स्थानों में बैरिकेडिंग कराई गई थी। उक्त कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लगभग 8000 से 9000 की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम पश्चात जब रैली निकाली गई, तब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेड्स को तोड़ा गया और कई स्थानों में कानून व्यवस्था ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों के साथ झूमार झटकी की गई, जिसमें कुछ पुलिस वालों को चोटें आई और कुछ को फ्रैक्चर हुआ है। लगभग 450 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल ले जाया गया है। ये पूरा आज का छत्तीसगढ़ का ये घेराव अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा घेराव है। आज प्रदेश का युवा एकदम बेरोजगारी के चरम मुद्दे से मजबूर होकर आज ये यहाँ पास अपना प्रदर्शन, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ये हम बैरिकेड नहीं तोड़ रहे हैं, ये हम नेता बैरिकेड नहीं तोड़ रहे हैं, ये नेता, ये बैरिकेड एक एक यहाँ का कार्यकर्ता और एक एक बेरोजगार छात्र जो इस सरकार, लबरी सरकार से मजबूत है, आज वो तोड़ रही है। हम पूरी कोशिश में हैं, प्रशासन बहुत ज़्यादा की संख्या में है, बैरिकेड आप देख सकते हैं, बड़े बड़े टैंक बड़े बड़े लगाए हुए हैं, फिर भी हम चार को तोड़ चुके हैं, अब प्रवेश करेंगे। अभी तक बैरिकेड लगता था पर अब टैंकर लग गया, ऐसे चीज़ लग रहे हैं, तो ऐसे में कितनी बड़ी डर की चीज़ है। डर युवा, देखिए युवा डरता नहीं, युवा के आगे नदी पानी सब आग सब फेल है, है ना, पर युवा डरने वाला नहीं, हम कोशिश करेंगे तोड़ के घुस सके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे पूरा प्रदेश भर के युवा मोर्चा बेरोजगारी भत्ते और नौकरी को लेकर हम पहुंचे हुए शहर में। सरकार जब आया था तो गंगा जल को लेकर पूरा छत्तीसगढ़ के युवाओं से वादा किया था कि वो रोजगार देंगे, और रोजगार देने के साथ साथ जो बेरोजगार जो युवा बच जाएंगे शेष, उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे 2500 रुपया, ये वादा किया था। आज लगभग 3.5 साल बीत चुका है, सरकार कहाँ है? क्या रोजगार यही है कि युवा गौठान में गोबर उठाए? क्या रोजगार यही है कि युवा गली गली में शराब को कोचिया ही करे? क्या यही रोजगार है? क्या रोजगार का पैमाना यही है? क्या करने वाले, क्या सरकार, अगर आप लोग बात पूरी नहीं करती तो आगे क्या होने वाला है? अगर 3 महीने के भीतर अगर भूपेश बघेल हमारे युवाओं के मांगों को अगर पूरा नहीं करती है, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता एवं प्रति 10 लाख पंजीकृत बेरोजगारों को अगर रोजगार नहीं देगी, तो 3 महीना के भीतर प्रदेश का घेराव करेगी युवा मोर्चा, एक और उग्र आंदोलन करेगी। और मैं मीडिया के माध्यम से भूपेश बघेल जी को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि आप युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश ना करें। एक कंटेनर नहीं, आप 1 करोड़ कंटेनर लगाएं, युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता नहीं रुकेगा। ये लास्ट बैरिकेड भी टूटने वाला है। आज हमारे युवा मोर्चा साथिया जिसको अच्छा लग गया है, चुनाव से पहले जो गंगा जल की झूठी कसम खा के बेरोजगारी भत्ता देंगे बोलते हैं, उसको आज तक 4 सालों के दे नहीं पाया है। हम सारे युवा मोर्चा के साथी हम चले हुए महसूस कर रहे हैं, और इस भूपेश बघेल तानाशाही सरकार को बैरिकेड तोड़ेंगे और तोड़ने में सफल रहेंगे। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार द्वारा कंटेनर लगा के रखी, क्योंकि अभी तक इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ जो कि इस प्रकार का बैरिकेड लगाना। सरकार क्या डर चुकी है? भूपेश बघेल और कांग्रेस की पूरी सरकार डर चुकी है, और उसको आभास हो चुका था, इसलिए बड़े बड़े कंटेनर लाए गए। भारत देश में पूरा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो अपने हक की लड़ाई के लिए कहीं पे जा नहीं सकते, मांग नहीं सकते, इतने बड़े बड़े कंटेनर लगा के रोका गया है, ये हमारी हक को छीना जा रहा है। हम तेरे बेरोजगारी पर तले ही रहेंगे और कंटेनर को और मेरे को तोड़े रहेंगे, हम सफल हो ही रहेंगे। यहाँ पे पुलिस रोक चुकी थी, फिर एक बार बैरिकेड तोड़ के यहाँ से लोग आगे के लिए बढ़ रहे, भाजपा के कार्यकर्ता फिर आगे की ओर रुक कर दिए। देख रहे हैं, आपको भारी संख्या में यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं का जोश इतना ज़्यादा दिख रहा है कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इनको रोकने की लगातार कोशिश किया जा रहा है, पुलिस लगातार रोक रही है, झड़प भी होने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर आपको दिखाऊँगा तो झड़प हो रही है, पर पुलिस रोकने में कामयाब होगी कि नहीं होगी अब देखना होगा कि जोश के आगे पुलिस कामयाब रहती है या नहीं रहती, अब देखना होगा। यही